नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीपी न्यूज। सामाजिक संस्था अभियान व उत्तर भारतीय परिवार द्वारा आयोजित कजरी महोत्सव काशीनाथ घाणेकर नाट्य गृह में बड़े ही उत्साह से संपन्न हुआ। सावन में कजरी उत्तर भारत का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें महिलाएं झूला झूलकर इस त्यौहार को मनाती हैं। मिर्जापुर की मशहूर कजरी गायिका मधु पांडे ने कजरी से कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वहीं उनका साथ दिया भोजपुरी के मशहूर प्लेबैक सिंगर सुरेश शुक्ल ने। वहीं भोजपुरी के मशहूर प्लेबैक सिंगर सुरेश शुक्ल ने अपने गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें, सुरेश शुक्ल उत्तर भारतीय समाज के सबसे चहेते कलाकार हैं। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों व हिंदी सीरियल में अपनी आवाज दी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री माननीय श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने लोगों को संबोधित किया व नारी शक्ति पर अपनी राय रखी। भले ही वो भी कहीं सरकारी सेवा में हो, कहीं प्राइवेट जॉब कर रही हूँ या हाउसवाइफ हूँ, फिर भी उन दो जोड़ी आंखों में एक ही इंतजार रहता है कि कब फिर से वो मेरा मित्र आएगा। लेकिन दुर्भाग्य थोड़ा ऐसा हुआ समाज का, उस मित्र को किसी ने ठीक से पहचाना नहीं। इसीलिए शास्त्रों में पहले ही कह दिया गया कि पत्नी से बड़ा कोई मित्र नहीं है। शास्त्रों में जो अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए वो ये बताए गए कि सबसे बड़ा मित्र, और आप लोग भी जरा आंकिएगा, मित्र तो बहुत होंगे, छुपाने वाली बातों को छुपाए और बताने वाली बातों को समाज में बताए। लेकिन होता क्या है, जो अपना मित्र होता है जिससे आपने सब कुछ बताया है, जब मौका पड़ता है तो कहता है कहना नहीं, हम तो नहीं जानते, लेकिन ऐसा तो कुछ है। लेकिन पत्नी क्या होती है, कितने भी उसके साथ आपने दुर्व्यवहार किए हो, मेरे पति की मुंह समाज में नीची नहीं होनी चाहिए। जो उसका सबसे गौरवशाली पक्ष है वही जाना चाहिए। इससे बड़ा मित्र कोई नहीं होता है, और मुझे लगता है आज उसी नारी शक्ति का, उसी कारण से यहाँ पर सम्मान हुआ। और फिर एक और कहा कि नास्ति स्वसा समा मान्य, स्वसा कहते हैं बहन को, कि बहन से बड़ा कोई पूजनीय नहीं। जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में पोस्टेड आईपीएस अधिकारी श्री शैलेंद्र मिश्र ने नारी शक्ति पर अपने विचार रखे। तो उनको शक्ति देने का काम उनकी माता करती थी। तो यहाँ बैठी हुई सारी माताओं को, बहनों को, जो छोटी बेटियां हैं, उनको मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता हूँ, ये जो आप हैं, आप इस समाज से नहीं हैं, ये समाज आपसे है। आपका सम्मान इस समाज का सम्मान है। आज यहाँ दो महिलाओं को सम्मानित किया गया है, समाज ने खुद को सम्मानित किया है उनको सम्मान देकर। और मैं कोई अकेला व्यक्ति नहीं हूं जो नहीं पहुंचना। आदरणीय मंत्री महोदया को भी ठाणे से, मुंबई से कई फोन गए कि आप इस समारोह में ना आए क्योंकि महाराष्ट्र बंद है, आने से आपको कोई आहत हो सकती है, आपको चोट पहुंच सकती है। बहनों और भाइयों, आप सबके बीच में मैं ये बात साझा करने में गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने कहा कि जब केरल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शहीद हो सकते हैं, मारे जाते हैं फिर भी लड़ते हैं, तो मैं उसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री होने के नाते अगर। और अंत में संस्था के अध्यक्ष अमरजीत मिश्र ने सबका आभार व्यक्त किया।
फरसान आम आदमी की खास दुकान कुर्ला ठाणे दादर घाटों पर साकिना का कमिंग सून टू वासी अंधेरी।